गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों के। तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया। और उस बालक को क्या आदेश दिया, आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी, गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सोच वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिवजी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिवजी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिवजी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिवजी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है, आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया,
काली रूप था अपनाया, भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति बारे सारे बोल रहे जयकारे। इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए। जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते।
गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपज्ञोभितम अर्धचंद्रम धरम देहम विघ्नव्यूहम विनाशनम विघ्नव्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धर के भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो, चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूँ जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों, तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे असवार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों, देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अठखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर शाप सुनाए, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, करने हाहाकार, गणपति जग के पालनहार, गणपति
जब क्रौंच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौंच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौंच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ ना पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौंच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्त जनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते, सो उन्होंने क्रौंच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौंच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पास से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पास से बचना पाया। पास ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के उन्हें उनके सम्मुख लाया, मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया। परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया।
देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों, बोले यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन ज्यों ही उस पर सवार हुए उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुँह से हटाया, गणपति ने मुँह से हटाया भक्तों अपना भार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए। फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नैया पार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न है। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है, क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीष नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्त, भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी। गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सोच वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिव जी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिव जी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिव जी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिव जी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया,
काली रूप था अपनाया, भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों, शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों, ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति वारे, सारे बोल रहे जयकारे, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों, ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए, जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते।
गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपज्ञोभितम अर्धचंद्रम धरम देहम विघ्न व्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धरके भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो, चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूं जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों, तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूं। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे असवार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों, देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अटखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर शाप सुनाए, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, करने हाहाकार। गणपति जग के पालनहार, गणपति
जब क्रौंच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौंच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौंच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ ना पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौंच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्त जनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते, सो उन्होंने क्रौंच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौंच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पास से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पास से बच ना पाया। पाश ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के उन्हें उनके सम्मुख लाया, मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया, परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया।
देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे, जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों, बोले, यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन जो ही उस पर सवार हुए, उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुंह से हटाया, गणपति ने मुंह से हटाया भक्तों अपना भार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते, मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए, फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नैया पार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की भक्त जनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्त, भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी। गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सो वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिव जी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिव जी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिव जी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिव जी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया,
काली रूप था अपनाया भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति बारे सारे बोल रहे जयकारे, इंद्र ने एरावत दे दीना, इंद्र ने एरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने एरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता, तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए, जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते।
गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपज्ञोभितम अर्धचंद्रम धरम देहम विघ्नव्यूहम विनाशनम विघ्नव्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धर के भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो, चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूं जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों, तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे असवार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों, देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अटखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर शाप सुनाए, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, करने हाहाकार। गणपति जग के पालनहार, गणपति
जब क्रौंच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौंच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौंच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ ना पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौंच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तजनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते, सो उन्होंने क्रौंच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौंच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पाश से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पाश से बच ना पाया। पाश ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के उन्हें उनके सम्मुख लाया, मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया, परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया।
देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे, जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों। बोले, यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन जो ही उस पर सवार हुए, उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना, बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुसे से हटाया, गणपति ने मुसे से हटाया भक्तों अपना भार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते, मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए, फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नैया पार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। Thank you.
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा श्री गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों के। तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा। तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया। और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी। गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सो वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिवजी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिवजी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिवजी को क्रोध आ रहा था भक्तों। और शिवजी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया,
काली रूप था अपनाया भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति बारे सारे बोल रहे जयकारे। इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए,
मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए। जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते। गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय, सर्व सौख्य प्रदायिने, दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय, पराय परमात्मने, लंबोदरम महावीर्यम, नाग यज्ञो पज्ञोभितम, अर्धचंद्रम धरम देहम, विघ्नव्यूहम विनाशनम, विघ्नव्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है, तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धर के भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो, चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों, तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे असवार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों, देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अठखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए, ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर शाप सुनाए, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया, उसे मूषक था बनाया।
मृत्यु लोक में क्रौच थाया, मृत्यु लोक में क्रौच थाया, करने हाहाकार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जब क्रौच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ न पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तजनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते। सो उन्होंने क्रौच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पाश से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पाश से बच ना पाया। पाश ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के
उन्हें उनके सम्मुख लाया। मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया। परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया। देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों। बोले, यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन जो ही उस पर सवार हुए उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुंह से हटाया, गणपति ने मुंह से हटाया भक्तों अपना भार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए। फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नैया पार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। गणेश जी महाराज की। भक्तजनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीष नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी, गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सो वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिवजी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिवजी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिवजी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिवजी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया,
काली रूप था अपनाया। भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए। विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति वारे, सारे बोल रहे जयकारे। इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया, तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है, इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए। जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते।
गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय, सर्व सौख्य प्रदायिने, दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय, पराय परमात्मने, लंबोदरम महावीर्यम, नागयज्ञोपज्ञोभितम, अर्धचंद्रम धरम देहम, विघ्नव्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है, तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धरके भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो, चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों, तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे असवार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों, देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अटखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए, ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर शाप सुनाए, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, करने हाहाकार, गणपति जग के पालनहार, गणपति
जब क्रौंच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौंच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौंच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ ना पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौंच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्त जनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते, सो उन्होंने क्रौंच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौंच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पास से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पास से बच ना पाया। पाश ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के उन्हें उनके सम्मुख लाया, मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया, परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया।
देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे, जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों। बोले, यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन जो ही उस पर सवार हुए, उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुंह से हटाया, गणपति ने मुंह से हटाया भक्तों अपना भार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते, मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए। फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नैया पार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। Thank you.
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है, विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नानाघर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा। तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी, गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सो वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिव जी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिव जी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिव जी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिव जी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई,
बालक को मृत वो थी पाए, भारी माँ ने रुदन मचाया, काली रूप था अपनाया, भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति बारे सारे बोल रहे जयकारे, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया, तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है, इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए, जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते,
वो ही मुक्ति का फल पाते। गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपज्ञोभितम अर्धचंद्रम धरम देहम विघ्नव्यूहम विनाशनम विघ्नव्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धर के भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूं जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे अस्वा। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अटखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर शाप सुनाए, उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। उसे मूषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, मृत्यु लोक में क्रौंच थाया, करने हाहाकार। गणपति
जब क्रौंच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौंच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौंच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ ना पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौंच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तजनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते, सो उन्होंने क्रौंच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौंच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पाश से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पाश से बच ना पाया। पाश ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के उन्हें उनके सम्मुख लाया, मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया। परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया।
देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे, जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों। बोले, यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन जो ही उस पर सवार हुए, उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना, बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुंह से हटाया, गणपति ने मुंह से हटाया, भक्तों अपना भाव। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते, मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए, फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नैया पार। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। Thank you.
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा श्री गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, संकट मोचन है मेरे देवा गणेश, मंगल करता है विघ्न हरता है। भक्त जब जब इन्हें जिस जिस रूप में पुकारते हैं, मेरे गजानन देव दौड़े दौड़े आते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आज इस भजन के माध्यम से मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की जन्म की पवित्र गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे सुनने मात्र से आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोग कर जीवन के अंत में भगवान श्री गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो आइए सुनते हैं गौरी नंदन देव गजानन की पावन जन्म कथा। एक बार फिर दोनों हाथ खोलकर जयकारा बोल दीजिए, बोलिए गौरी नंदन भगवान श्री गणेश जी की।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। श्री गणेश के जन्म की गाथा, श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों कि तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा, तन से उपटन उतारा, उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ, जाके द्वार पे पहरा लाओ, कोई भीतर ना आ जाए, बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया, भक्तों बालक द्वार पे आया, दंड को हाथों में उठाए, बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों, अब आगे क्या होगा भक्तों, आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी, गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया, प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा, सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सो वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा, मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिवजी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिवजी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं, मैं भीतर जा सकता हूं, परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिवजी को क्रोध आ रहा था भक्तों, और शिवजी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं।
क्रोध में था त्रिशूल उठाया, बालक पर प्रहार कराया, बल में उसका शीश उड़ाया, सारा त्रिलोक थर्राया। गौरा महल से बाहर आई, बालक को मृत वो थी पाई, भारी माँ ने रुदन मचाया, काली रूप था अपनाया। भोले शंकर मेरे लाल को, भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ, तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों, ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति वारे, सारे बोल रहे जयकारे, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों, ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की।
शिव जी प्रथम पूज बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए, जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते। गौरी नंदन भवसागर से, गौरी नंदन भवसागर से पल में पार लगाएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। ओम नमो विघ्न राजाय, सर्व सौख्य प्रदायिने, दुष्ट्यारिष्ट विनाशाय, पराय परमात्मने, लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपज्ञोभितम अर्धचंद्रम धरम देहम विघ्नव्यूहम विनाशनम विघ्नव्यूहम विनाशनम। बोलिए देव गजानन गणपति महाराज की। भक्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को जब जब भक्तों ने पुकारा है, तब तब उन्होंने अलग अलग अवतार धर के भक्तों का कल्याण किया है। वेद पुराणों में भगवान श्री गणेश जी की अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे उनके जन्म की पावन कथा हो, चाहे उनके प्रथम पूजनीय होने की कथा, परंतु आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित वो संगीतमय कथा सुना रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह एक भारी भरकम शरीर वाले भगवान श्री गजानन गणेश जी की एक छोटा सा मूसा कैसे सवारी बन गया। ये प्रश्न कभी कभी भक्तों के मन में आता होगा। भक्तों, तो आइए इस कथा के माध्यम से मैं इस प्रश्न का निवारण करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से फिर से भगवान गणेश गजानन की जय बोलिए। बोलिए गणपति भगवान की। गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। वक्रतुंड है महाकाय है, वक्रतुंड है महाकाय है, मूसे पे असवार, गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तों, देव गजानन की मूषक सवारी की पावन कथा कुछ इस प्रकार से। एक समय की बात है भक्तों, देवराज इंद्र की सभा में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो रही थी। देवी देवता ऋषि मुनि गण सभी गंभीर चर्चा में भाग ले रहे थे, परंतु उसी सभा में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था जो बड़ा ही उत्पाती था। उसका ध्यान गंभीर चर्चा पे कदापि नहीं था, जबकि वो तो बार बार अप्सराओं संग अटखेलियां करता, उनसे बातें कर रहा था, जिससे सभी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। सभी ने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्रौंच गंधर्व को समझाइए, ताकि बार बार गंभीर चर्चा में ये विघ्न न डाले। सबकी पुकार पर देवराज ने क्रौंच को अपने पास बुलाया और ये समझाने लगे। इंद्र ने पास बुलाया, प्रेम से उसे समझाया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया, क्रौंच गंभीर नहीं था, उसे कुछ समझ न आया। क्रोध में इंद्र थे आए, उसको फिर श्राप सुनाए, उसे मूषक था बनाया,
पृथ्वी पे उसे भिजवाया, उसे पोषक था बनाया, पृथ्वी पे उसे भिजवाया। मृत्यु लोक में क्रौच थाया, मृत्यु लोक में क्रौच थाया, करने हाहाकार गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। जब क्रौच ने इंद्र की बात नहीं मानी तो क्रोध में इंद्र ने क्रौच को श्राप देकर मूषक बना दिया और उसे दंडवत मृत्यु लोक में भेज दिया। क्रौच मूषक बनकर मृत्यु लोक में आ गया भक्तों, परंतु अपने उद्दंडी स्वभाव का क्या करता, मृत्यु लोक में भी अपने भारी भरकम मूषक के शरीर से उसने उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत दांतों से इधर उधर वस्तुओं को कुतरने लगा। उत्पात मचाते हुए ऋषि पराशर के आश्रम में आ गया। बस फिर क्या था, वहां पर सारे वेद पुराण ग्रंथ अपने दांतों से कुतरने लगा। ऋषिवर के और उनके शिष्यों के कपड़े कुतर कुतर कर फाड़ने लगा। अनाज घर में जाकर सारा अनाज नष्ट करने लगा। ऋषि पराशर और शिष्यों ने उसे पकड़ने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पकड़ ना पाए। तब ऋषिवर ने मन ही मन क्या उपाय सोचा, आइए सुनते हैं। क्रौच आतंक मचाए, सभी कुछ काट गिराए, शिष्यों के सहित ऋषिवर गणेश की शरण में आए। प्रभु जी दया दिखाओ, भक्तों पर मेहर फिराओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ, हमें इस मूषक से तो गणपति आन बचाओ। भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। भक्तजनों, भगवान गजानन तो भक्त वत्सल है, शरण में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, तो भला ऋषि पराशर को कैसे निराश लौटाते। सो उन्होंने क्रौच मूषक को पकड़ने हेतु अपना पाश उसके पीछे छोड़ दिया। भक्तों, अब क्रौच की जान आफत में आ गई, तीनों लोकों में भागा फिर रहा है, परंतु भगवान श्री गणेश के पाश से भला उसे कौन बचाता। स्वर्ग लोक गया, परंतु वहां भी उसकी रक्षा ना हो सकी। मृत्यु लोक गया, वहां भी उसे निराशा हाथ लगी। पाताल लोक पहुंचा, परंतु देव गजानन के पाश से बचना पाया। पाश ने उसे जकड़ लिया और श्री गणेश जी के सन्मुख ले आया। आगे क्या कथा है, आइए सुनते हैं। गणपति सन्मुख आया, चरणों में शीश नवाया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया, दया करो मुझ मूषक पर आपकी शरण में आया। गणपति दया के सागर, क्षमा का दान दीना, मन चाहा वर तुम मांगो, ऐसा वरदान था दीना, भक्तों के हित देर करो ना, भक्तों के हित देर करो ना, आ जाओ इस बार गणपति जग के पालनहार, गणपति जग के पालनहार। हार
जैसे ही देव गजानन का पाश मूषक को पकड़ के उन्हें उनके सम्मुख लाया, मूषक ने तुरंत देव गजानन के पैर पकड़ लिए और क्षमादान करता रहा। मैंने पहले भी बताया भक्तों, देव गजानन तो भक्त वत्सल हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। सो उन्होंने मूषक को क्षमादान दे दिया। परंतु यह क्या, जैसे ही मूषक को क्षमादान मिला उसे तो अभिमान आ गया। देव गजानन से कहने लगा, हे देव गजानन, आप मुझे क्या वरदान देंगे जबकि आप मुझसे ही कुछ मांग लीजिए। भगवान गणपति बप्पा उसके मन का भाव जान गए भक्तों। बोले, यदि वरदान देना ही है तो मेरी सवारी बन जाओ। अभिमानवश मूषक ने तथास्तु कह दिया। उसके तथास्तु कहते ही देव गजानन जो ही उस पर सवार हुए उसके प्राण संकट में आ गए। हाथ जोड़कर एक बार फिर मूषक भगवान से ये बोला, प्रभु जी क्षमा करो तुम, मैं हूँ मूरख अज्ञानी, मैं लीला जान सकाना बात ना आपकी मानी। भार अपना सहने की मुझको तो शक्ति दे दो, मैं दीन हूँ हीन हूँ स्वामी, मुझे तुम भक्ति दे दो। गणपति ने मुँह से हटाया, गणपति ने मुँह से हटाया भक्तों अपना भार। भगवान श्री गणेश जी ने दयावश मूसे को अपना भार हरने का वरदान दे दिया। अब वो मूसा भगवान श्री गणेश जी की सवारी बन गया। जहां जहां भगवान श्री गणेश जाते मूसे पर असवार होते, वहां पर दोनों की पूजा आव भगत की जाती। इससे वो मूसा भगवान श्री गणेश जी के समान पूजनीय हो गया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी भगवान श्री गणेश जी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश जी का पूजा आराधन कीजिए, उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, आरती चालीसा गाकर उनके द्वादश नामों का उच्चारण कीजिए, हर रोज एक माला भगवान गणपति के नाम की फिराइए। फिर देखिए भौतिक जीवन के सारे सुख आपके चरणों के दास होंगे भक्तों, और अंततः आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। जो भी श्रद्धा से भक्तों गणेश का नाम बुलाते, आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं विघ्न विनायक भक्तों के कष्ट मिटाते। चलो हम आरती गाएं, चलो चालीसा गाएं, मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। मोदक का भोग लगाएं, हचंदन तिलक लगाएं। श्री गणपत की भक्ति से तो, श्री गणपत की भक्ति से तो जीवन नया पा। गणपति